हेलो गाइस, गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने आइडिया के सिम पर पोर्ट कोड यानी यूपीसी कोड निकालना चाहते हैं जिससे कि आप आइडिया के सिम में से किसी और सिम में जा सके, एयरटेल, वोडाफोन या किसी भी सिम में जा सके जियो वगैरह के में, तो आपको पोर्ट कोड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पोर्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या रिकमेंडेड है उसके लिए, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में SMS करने के लिए 1 रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास मैसेजेस पैक है या अनलिमिटेड मैसेजेस का पैक है तो भी चल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप पोर्ट कोड निकाल लेते हैं तो उसकी एक्सपायर डेट भी उसके साथ साथ आती है। जैसे आप एक्सपायर डेट को पार कर देंगे तो वो जो है अनवैलिड हो जाएगा और वो एक्सपायर हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तीसरा, यहाँ पर अगर आप पोर्ट कोड निकाल लेते हैं और सब कुछ सबमिट वबमिट कर देते हैं, रिटेलर को दिखा भी देते हैं, तो वहाँ पर आपको 7 दिन का टाइम लगता है पोर्ट होने में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए। तो 7 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पोर्ट कोड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मैसेजेस में जाना होगा और मैसेजेस में हमें भेजने के लिए 1900 को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 1900 पर हमें भेजना है SMS और नीचे यहाँ पर लिखना है हमें पोर्ट, बड़े अक्षरों में लिखना है, उसके बाद स्पेस एंड नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर जिस भी नंबर पर आप मंगवाने चाहते हो वो नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद इसे सेंड कर दीजिएगा। समथिंग 10 मिनट के अंदर उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा और जो आपका पोर्ट कोड है वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप रिटेलर को जाकर दिखा दीजिएगा उस पोर्ट कोड को, जो UPC कोड रहता है, तो वो उधर से उसको पोर्ट कर देगा और 7 दिन के अंदर आपको दूसरी कंपनी में जाने का मौका मिल जाएगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। तो ये था इस पोर्ट कोड UPC कोड को निकालने का प्रोसेस। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना। लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।